स्ट्रीट फूड चैलेंज तो मैं हार गई, बट मैं मोमोज बनाना सीख गई। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन तरीके के मोमोज, वो भी पूजा के साथ। कमाल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। सो गाइस, वादे के अकॉर्डिंग पूजा ने लगा दिया यहाँ पे मोमोज की स्टॉल। तो भाई पूजा, आज कौन से मोमोज खिलाने वाली हो? सबसे पहले मैं आपको स्टीम मोमोज खिलाऊंगी जो इसमें पक रहे हैं। क्या बात है, अच्छी तरह से पके हैं। जरा दिखाओ खोल के। जरूर, ये लीजिए, देखिए। ओह माय गॉड, अच्छे से पके हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो चलो लगा दो हमको भी एक प्लेट। जरूर, एक प्लेट आपको लगा। सो सबसे पहले मोमोज की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में बटर डालिए एंड फाइनली चॉप जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज को सॉटे करिए। नाउ एड स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम एंड कैबेज, और अब इसमें आप अपनी सीजनिंग को ऐड कर दीजिए। वैसे आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये ली हैं। नाउ आई विल बी एडिंग ग्रेटेड पनीर एंड फाइनली गार्निश इट विद सम कोरिएंडर। सो योर फिलिंग इज डन। जब आप मोमोज को बेलिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत पतला बेलना है। वैसे तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बट आई प्रेफर माई स्टीम मोमोज इन दिस शेप। और ये देखिए, हमारे स्टीम मोमोज रेडी हो गए हैं। वाओ, दे लुक फैंटास्टिक। लीजिए, टेस्ट कीजिए कैसा बना है। बढ़िया दिख रहा है। सो गाइस, ये आ गए मेरे स्टीम मोमोज, और इसके साथ सर्व की गई है ये चिली ऑयल डिप। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही स्पाइसी लग रही है। सो ये जो चिली ऑयल डिप है ना, वो आप बना सकते हो। आपको गार्लिक और चिली फ्लेक्स को सॉटे करके बहुत ही बढ़िया बन जाती है और बहुत ही स्पाइसी होती है। और कई जगह इसको हॉट ऑयल भी बोला जाता है। अक्सर ना रेस्टोरेंट में ये हॉट ऑयल आपको डिमसम्स के साथ दिया जाता है, बट भाई मुझे तो ना ये अपने स्टीम मोमोज के साथ खाना बेहद पसंद है। चलो भाई, आई एम सो टेम्प्टेड, अभी ट्राई करते हैं। ओ ऑल राइट, क्या गजब के मोमोज बने हैं भाई। ये खाते ही ना मुझे डोलमा आंटी के मोमोज याद आ गए जो मैंने अपने दिल्ली स्ट्रीट फूड में कवर करे थे। ये देखो कितने बढ़िया और जूसी हैं, और इसके आउटर कवरिंग भी ना आप देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही थिन है। आप जानते हो इसका राज क्या है भाई? जब आप मोमोज का डो लगाओ ना, तो तेल और नमक के अलावा अगर आप उसमें डाल दोगे बटर, तो बहुत ही गजब का डो तैयार होता है। और जब आप इसको बेलोगे तो जो इसकी एजेस है ना, उसको एक्स्ट्रा पतला बेलिएगा, तब आपको मिल जाएंगी ऐसी पतली पतली थिन कवरिंग। भाई पूजा, बहुत ही गजब के मोमोज बनाए हैं। अब बताओ अगले कौन से मोमोज खिलाओगी? अब आपको फ्राइड मोमोज खिलाऊंगी। आपको पता है इन्हें बहुत ज्यादा तले हुए चीज बहुत पसंद है। कल ही मैंने इनको समोसे बना के खिलाए हैं और आज फ्राइड मोमोज। गाइस आपको पता है कल मैंने पूरे पांच खाए थे, पांच बड़े समोसे खाए हैं। बट तला हुआ खाना मैं खाती हूँ, उसके अलावा भी ना मेरे पिंपल विंपल नहीं आते हैं, ग्लोइंग स्किन। चलो भाई लगा दो फ्राइड मोमोज, लगाते हैं। सो यहाँ पे फ्राइड मोमोज को मैं ट्राइंगल शेप दे रही हूँ एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन। और अब ये जाएंगे फ्राई होने। वाओ, दे लुक फैंटास्टिक एंड माय फ्राइड मोमोज आर डन। सो गाइस, ये आ गए मेरे फ्राइड मोमोज। जस्ट हैव अ लुक, वो दे आर लुकिंग सो गॉर्जियस नाउ। और इसके साथ सर्व की गई है ये टमेटो चिली डिप। भाई ये जो डिप है ना, उसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, फ्रेश टमेटो प्यूरी लेना है, उसको जिंजर गार्लिक के साथ सॉटे कर दीजिएगा। और इसमें जो मैंने ट्विस्ट दिया है, इसमें मैंने डाला है शेजवान सॉस, जो इस डिप को ना बहुत ही स्पाइसी और टैंगी बनाता है। इसकी एग्जैक्ट रेसिपी ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि भाई अब मुझसे नहीं रुका जा रहा है। लेट्स डिग इन। वो 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 बहुत गर्म है, सुनाई दे रहा है ना? ये सुपर क्रिस्पी हैं और इसकी जो फिलिंग है ना, वो बहुत ही गजब की है। इसमें वेजीज के साथ साथ ऐड किया गया है पनीर, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा है। क्यों भाई पूजा, स्टीम मोमोज हो गए, फ्राइड मोमोज हो गए, अब क्या खिलाने वाली हो? अब आपके फेवरेट बटर गार्लिक मोमोज बनाओगी? हाँ। अरे वाह, यहाँ पे पूजा बनाने वाली है मेरे फेवरेट बटर गार्लिक मोमोज। चलो आप भी देख लो, बनाए अभी बनाते हैं, देखिए।
So for butter garlic momos, I'll be giving them a round shape just like this. Now take a pan and add loads and loads of butter and put your momos into the pan and saute them for a while. So after sauteing them for a while, add finely chopped garlic and add some seasoning. And voila, your butter garlic momos are all done. So guys, here comes my butter garlic momos and aroma of butter garlic is so tempting. ये देखिए guys, इसको सर्व किया है मैंने ये स्कैलियन डिप के साथ and oh my god, this looks really good. So ये जो डिप है ना, इसको बनाना भी बहुत आसान है. What you have to do, take spring onions and saute it with ginger and garlic with loads of oil. चलिए अभी try करते हैं भाई, बहुत ही tempting से है. Okay, लगाई जाए थोड़ी सी डिप. सुपर हॉट है. इतने बटरी हैं ये, इतने गार्लिकी हैं ये, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है गाइस. एंड ट्रस्ट मी, ये वाले मोमोज ना आपको तो ट्राई करना बनता है. जल्दी जल्दी घर पे बनाओ और बताओ कैसे बन गए. इट्स डेजर्ट टाइम. सो गाइस, पूजा ने ना, हमारी प्यारी पूजा ने इतने बढ़िया बढ़िया मोमोज बना के खिलाए, तो एक स्वीट ट्रीट होना तो जरूरी है ना. क्यों भाई पूजा, चीयर्स कर ले. चीयर्स. भाई जाने से पहले आप ये बताना कि आपको इन तीनों मोमोज में सुना सबसे बढ़िया कौन सा मोमो लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना. और जाने से पहले क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी भर भर के करना, बहुत सारे करना पूजा के लिए, जरूर करना. जरूर करना. चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.